गुड मॉर्निंग। और अभी बस सुबह का खाना बना रही हूँ। तो आज मैंने बनाई थी आलू मटर और गाजर की सब्जी सुबह, और उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की। मैंने कहा ये नॉर्मल सी सिंपल सी रेसिपी है, इसकी वीडियो क्या शूट करूँ। तो बस ये मैंने आप लोगों को जस्ट दिखा दिया है कि सुबह सुबह मैंने आज ये खाना बनाया था, और बनाया था नहीं, बना रही हूँ अभी। और उसके बाद है ना, फिर सूखी सब्जी और रोटी है ना, वो अकेली खाई नहीं जाती, और टिफिन में भी भेजना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने ना थोड़ी सी सेवैयाँ जो है ना उनको भून लिया घी में, और थोड़ी सी खीर बना दूंगी। तो उससे क्या है कि टिफिन में अगर हम खाना भेजते हैं ना तो अच्छा भी लगेगा, और थोड़ा मन से खाया भी जाएगा। क्योंकि अब ये जो मौसम है ना, इस मौसम में ना खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। चाहे कोई भी रेसिपी बना लो ना, मुझे तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, खाने का मन ही नहीं करता। और ज़बरदस्ती खाओ भी तो भी है ना, मुश्किल से थोड़ा बहुत खाती हूँ, छोड़ देती हूँ, मन ही नहीं करता। तो मैंने फिर है ना आज इसी वजह से खीर बना ली थी कि थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाता है ना खाने के साथ, तो खाना हम खा पाते हैं। तो बस सुबह ही सुबह मैंने ना सब्जी बना दी, खीर भी बना दी, और साथ में अभी रोटियां भी बन रही हैं, क्योंकि अभी जय का मुझे टिफिन पैक करना है। तो सारे काम एक साथ चल रहे हैं, और सुबह इतनी फ्री नहीं होती कि मैं कैमरे के सामने आकर बात करूं या सब कुछ करूं, क्योंकि अभी वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हाँ इतना है कि ये अपना काम तो करना ही है, तबीयत ठीक हो या ना हो। तो यहाँ पे बस फटाफट से जय के लिए अभी मैं रोटियां बना रही हूँ, टिफिन पैक करूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और मैं कितनी कमजोर सी लग रही है ना, पता नहीं क्या हो गया है, पूरे चेहरे की रौनक रंगत सब चली गई। काम 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 है ना, मुझे बहुत थका रहा है। और पता है अभी भी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो किचन के कपड़े हैं ना, इनको मैंने गर्म पानी यानी पानी गर्म कर दिया, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया और विम लिक्विड जेल डाल दिया, और मैं इनको थोड़ा साफ कर रही हूँ। यहाँ पर कॉफी के लिए मैंने पानी और दूध मिक्स करके गर्म कर लिया है, एक कप कॉफी पीती हूँ। बहुत ज्यादा थकान लग रही है क्योंकि मैं आज गई थी स्कूल, और स्कूल कितने सुबह गई थी और 3 बजे स्कूल से आई, उसके बाद बर्तन छोड़ के गई थी। फिर मैंने बर्तन वगैरह किए, क्योंकि ये ना कभी कभी लेट हो जाती हूँ ना, तो मैं छोड़ देती हूँ बर्तन, नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था लेट ना हो जाऊं, तो फिर बर्तन छोड़ के गई। और एक मिनट ना, मेरा ध्यान हट जाएगा। बस अपनी कॉफी लाए के दूध गर्म किया था, और इसको ना बंद कर देती हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ, और जब है ना ये थोड़ा ठंडा होगा ना तब धोऊंगी। तब तक मैं अपनी चाय पी के, सॉरी कॉफी पी के आती हूँ, और कॉफी पीऊंगी उसके बाद मुंह धोऊंगी। मुंह देखो कितना चिपचिपा हो रहा है, और आंखों पे थकान दिख रही है। इसी वजह से पता है मैंने आज कोई भी व्लॉग नहीं डाला, और ये व्लॉग कल जाएगा या परसों जाएगा कुछ पता नहीं है। तो बस बना ली कॉफी, और थोड़ी सी ले ली है नमकीन, ये ममरे वाली जो नमकीन होती है ना वो, और देखो पीछे पिटारा। मुझे कोई कह रहा था ना दी आपके सोफे पे हमेशा कपड़े पड़े रहते हैं, तो अभी देखो कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं शाम के, और अभी 6:30 बजे मैं कपड़े लेकर आई हूँ, किचन वगैरह साफ की, और अंदर बेडरूम दिखाऊं वहां भी आज कपड़े पड़े हैं। देखो दिख रहे हैं कितने सारे कपड़े, तो सारे ठंडियों के जो कपड़े धोके रखे ना वो सारे उस बॉक्स में रखने हैं मुझे। तो मैंने पहले सोचा कि पहले मैं आराम से कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़ों का काम मैं धीरे धीरे बैठ के कर लूंगी, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। मेरे इस घुटने में ना सूजन आ गई है, पूरा घुटना मेरा सूज रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रही है सही में। लेकिन अब क्या करें, कोई है ही नहीं जिससे सहारा मांगू या कोई मेरा काम करे। सहारा ढूंढती हूँ तो जय, और जय को कुछ होता है वो सहारा ढूंढते हैं तो मैं, बस हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। तो कहते ना कि हाँ लेडीज तो बीमार भी हो जाए ना तो भी उसको करना है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है, और वो लोग बहुत नसीब वाले होते हैं पता है, जिनको ना फैमिली का प्यार मिलता है। होता है ना कि जैसे कि बहुओं को कुछ होता है तो वो अपने मायके चली जाती है, कुछ दिन का रेस्ट लेकर आ जाती है। मैं तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मायके जाऊंगी ना तो यहाँ से भी ज्यादा मुझे काम ही करना पड़ेगा। और क्योंकि पता है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को करते नहीं देख सकती। मेरी मम्मी इतनी एजिड है, वो करेंगी और मैं बैठी रहूं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे वो भी करना ही पड़ेगा चाहे मेरी तबीयत अच्छी हो या ना हो। और वहां तो यूं भी सारा नहीं है कि जय कर देंगे, वहां तो मुझे ही करना पड़ेगा, और जा भी नहीं पाती। पहले मेरी तो मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ, तो सहारा क्या किसी को दूंगी और क्या किसी से लूंगी। जाने का मन भी करता है तो भी नहीं जा पाती हूँ। आप भी बताइए, इतनी जिम्मेदारियां छोड़ के मैं कैसे चले जाऊं। आज सुबह ही मैंने अपने पापा से बात की, बोले थे आएगी, मैंने कहा कि कैसे आऊं। प्रॉब्लम यही है कि ना तो कोई यहाँ से छोड़ने जा सकता है, ना वहां से कोई लेने आ सकता है। आरुमोलू को लेकर मैं जा नहीं सकती।
क्योंकि मोलू इतना तूफानी है ना, उसको रास्ते में ले जाना यानी इतना बड़ा रिस्क लेना। हाँ, ये है वजह मेरे घुटने में सूजन होने की। आ रही हूँ। आती हूँ। तो बस अब किचन में आ गई, और ये जो ना मेथी रखी थी, जय मेथी लेकर आए थे, और फिर सुबह अगर इनको तोड़ूंगी ना तो खाना बनाने में बहुत लेट हो जाऊंगी। तो अभी क्या है कि ना कुछ काम खास था नहीं मेरे पास, और ये काम मुझे सबसे पहले करना ज़रूरी लगा, क्योंकि सुबह अगर हम इस तरह की कोई ये ना सब्जियां तोड़ते हैं या काटते हैं ना तो बहुत टाइम चला जाता है। तो अभी ना खाने का टाइम तो इतना हुआ नहीं था, तो आरू मोलू को ना दूध दूध खाना था। वो आरू बोलती मुझे दूध के साथ टोस्ट खाने, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो पहले तो दो टोस्ट लेकर गई कोरे, फिर बोलती है दूध के साथ खाना है, तो फिर उनके लिए मैंने दूध बनाया और उनके दूध वगैरह दूंगी। और यहाँ पर पानी पीने गई तो देखा कैंपर भी खाली था, और यहीं पर बर्तन धोते हैं, यहीं कैंपर साइड में रहता है ना, तो इसमें बहुत छींटे पड़ जाते हैं पानी के, और हमारे वहाँ खारा पानी है ना तो वो छींटे वैसे के वैसे ही दिखते हैं। तो फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, साफ़ करके भर के लेकर आई। यहाँ पर आरू मोलू का दूध ठंडा हो रहा है, और दूध है ना थोड़ा सा मैंने आज चाय पत्ती वाला बनाया, क्योंकि वो दोनों बच्चों को ना जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो मैंने प्लेन दूध नहीं दिया, और हल्दी वाला वो लोग पीते नहीं है, तो मैंने ना थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी गर्माहट के लिए। और बस वो लोग दूध और टोस्ट खाएंगे अभी, उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाऊंगी। मेथी मैंने तोड़ के रख दी, और बस पानी लेने जाना है ताकि एक गिलास पानी पी लें। कैंपर छोटा है ना तो ये पूरे दिन चलता नहीं है, ख़त्म हो जाता है पानी। और उसके बाद बच्चों ने दूध और टोस्ट खा लिए, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो मैंने दाल रखी है बनने के लिए, चावल रखे हैं बनने के लिए, क्योंकि सुबह की सब्जी सुबह की खीर काफ़ी पड़ी हुई है, और रोटियां बना लूंगी थोड़ी सी। तो बस यही हमारा खाना हो जाएगा आज, यानी डिनर हो जाएगा। और अभी लोग दूध और टॉस खा रहे हैं बैठ के, क्योंकि शाम का टाइम है ना तो बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगती है। मैंने कहा कुछ बना दूँ, तो बोलते हैं नहीं हमको तो ना चाय पीनी है, चाय की जिद कर रहे थे। तो मैंने उनको बहलाने के लिए ना थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी, और मैंने कहा इनको दूध नुकसान भी नहीं करेगा। तो वो दोनों वहाँ पर लगे हुए हैं आराम से अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ बस मैं खाना पीना बना रही हूँ। तो अभी मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज है ना मैंने अपनी इस वाली बोतल से तेल लेना डाला है फ्राई पैन में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये वाली है ना बोतल ये खाली हो जाए, कोई आ गया। अपनी गाड़ी के अंदर हॉर्न इतना भयंकर रखते हैं ना कि वॉइस ओवर बंद करनी पड़ती है। और बस यहाँ पे अभी दाल में तड़का लगा रही हूँ, जैसे कि मैं सिंपल तरीके से लगाती हूँ, प्याज और हरी मिर्च को भून लूँगी, टमाटर भून लूँगी, और बेसिक मसाले भी ना मैं तड़के के साथ ही डाल देती हूँ। और मैं केवल जब दाल को बॉयल करती हूँ ना तब उसमें केवल हल्दी और नमक डालती हूँ, बाकी धनिया पाउडर हुआ, दाल मसाला हुआ, और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैं ना तड़के के साथ ही लगाती हूँ। तो दाल बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की बनती है। और मेरे घर में तो कोई सादा सिंपल दाल खाता ही नहीं है, सब तड़के वाले ही खाते हैं, आप लोगों ने हमेशा से देखा होगा। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप हमेशा दाल चावल की रेसिपी शेयर करते हो, तो ऐसा नहीं है। सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा खाना हो जाता है, फिर 3 बजे हम लोग स्कूल में रहते हैं, और 2-2.5 बजे स्कूल में खाना खाते हैं, तो फिर शाम को आके हमारा मन ही नहीं करता कि हम कुछ हैवी खाना खाएं। ऐसा लगता है कोई सिंपल सा बस दाल चावल, कि दाल चावल है ना दुनिया की सबसे अच्छी डिश है मेरे हिसाब से। तो कितनी भी अच्छी डिश खा लो ना, लेकिन दाल चावल का जो स्वाद है ना वो दुनिया की किसी डिश में नहीं है। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ दाल चावल, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी ना यहाँ पर मैं जो सूखे धनिया है ना उनको भीन रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर है ना काफ़ी सारा कूड़ा था, और इनको अगर इस तरह से पीस देती ना तो पूरी कहते ना सारी सब्जियाँ ही मेरी रोज़ ख़राब हो जाती, क्योंकि इतनी मिट्टी निकली थी ना इनमें,
धूल मिट्टी लकड़ी छोटी छोटी, तो इनको साफ करना ना वो बहुत जरूरी था। और मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, मोलू मुझे बैठ के करने नहीं दे रहा था, बार बार मुट्ठी भर के लेता था फेंक देता था घर में। तो फिर मैं स्लैब के ऊपर बैठ गई, मैंने कहा अब कैसे आएगा मेरे पास, और ऊपर बैठ के आराम से धनिया साफ कर रही हूँ। उसके बाद मोलू आरू देखो क्या कर रहे हो तुम दोनों, पेंट कर रहे हो। देखो मुझे ना वो सूखे धनिया है ना मैंने कढ़ाई में रखे हैं, थोड़ा सा उनको रोस्ट करके मुझे उनको पीसना है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे खड़े होने के लिए ये दोनों जगह नहीं दे रहे हैं। और मैंने दाल चावल बना लिए और सुबह की सब्जी रखी है, खीर रखी है, काफी सारा खाना रखा है, तो मैंने केवल दाल चावल बनाए, लेकिन ये दोनों मुझे काम नहीं करने दे रहे। अच्छा आपकी तरफ है, अब मैं जाके आराम कर लूँ थोड़ी देर। तो पेंट कर रहे हो, कौन सा कलर से कर रहे हो? मैं तो कर रही हूँ ऑरेंज, ब्लैक, व्हाइट और पिंक। अच्छा एक साथ इतने सारे कलर इच्छे वाले से कर ले हो, ठीक है करो। मैं थोड़ी देर लेट लू, मुझे मम्मी के दर्द हो रहा है पैर में। बेटा जाओ मैं बैठ, चलो तुम भी उधर ही आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ बेड में पेंट कर लेना, आ जाओ बेड की दीवारों में व्हाइट कलर, आ जाओ दीवारों पर नहीं बेटा बेड में करो, चलो दीवार गंदी हो जाएगी बेटा। हाँ ये ड्राई है कि वेट किया दिखा, हाँ सही जाओ कर लो दीवार को, चलो हाँ ठीक ठीक है ठीक है। और चलो मैं करती हूँ इन कपड़ों को घड़ी, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर में लेटूंगी। हे भगवान जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे काम ही काम दिखता है, लाओ काम करूँ। स्कूल से आई हूँ, बैग वैग सब यहीं छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर ना अब कर रही हूँ कपड़े खड़ी, थोड़ा सा आराम कर लिया। आरू मोलू खेल रहे हैं और ना ये इतने सारे कपड़े हैं, क्योंकि अब ठंडियों के जो कपड़े हैं ना उनको भी उठा उठा कर रखना है, तो मेरी आदत है ना मैं सारे कपड़ों को धोकर साफ करके उसके बाद ही रखती हूँ। और ये ब्लैंकेट भी धोया था मैंने, अब सारी चीज़ें ना उनको बस धोना स्टार्ट हो गया है। तो जो जो चीज़ें मुझे दिखती जा रही हैं, और जैसे जैसे काम यानी रेगुलर के कपड़े जब कम होते हैं ना, तो थोड़े बहुत मैं उसमें ना जो स्वेटर वगैरह वो भी ऐड कर देती हूँ, यानी उनको मुझे दिन में कम से कम 2 से 3 बार मशीन चलानी पड़ती है, उन्हीं कपड़ों के लिए अलग, रेगुलर के कपड़ों के लिए अलग और जीन्स के कपड़ों के लिए अलग, क्योंकि सारी चीज़ें सेपरेट करके ही धोना पड़ता है, नहीं तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आपस में उनका कलर भी है ना मिक्स हो जाता है। इसी वजह से मेरे घर में आप लोगों को कपड़े की है ना ये काम है ना ज़्यादा दिखता है, क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे जींस हैं, ये आरू मोलू और जय के जींस हैं, इनको मैं 2 दिन में इकट्ठा कर लेती हूँ फिर धो लेती हूँ जींस वगैरह। और स्वेटर भी हैं अभी, और रेगुलर के कपड़े भी हैं, तो वो सब मैंने कर दिए। और अब यहाँ पे मैं ना जो धनिया थे उनको पीस रही हूँ। और सच में कभी कभी मुझे क्या लगता है कि ना सारी बदनसीबी है ना भगवान ने जैसे कि हम लोगों को ही दे दी है। सच में ऐसा नहीं कि मेरे अकेले के साथ, मेरी और 2 बहनें भी हैं, उनकी भी ज़िंदगी मेरे जैसी ही है, सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाना, खुद ही सब कुछ करना, उनको भी ना फैमिली का प्यार नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ का नसीब बेटियों के साथ चलता है, तो मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही था और वैसा ही उनकी 3 बेटियों के साथ भी है। तो कहते हैं ना ये वारसागत हमको मिला है, क्योंकि मेरी माँ भी सब कुछ अकेले ही मैनेज करती आई, आज तक उनको सपोर्ट नहीं मिला ना मायके का ना ससुराल का, तो बस ऐसी ही लाइफ हम 3 बहनों की भी है, ना मायके का सुख मिलता है और ना ही ससुराल का। सबके लिए कर दो लेकिन एहसान कुछ नहीं है, अपनापन कहीं नहीं है, बहुत है ना कई बातें ऐसी दिल में होती है ना जो आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, कि ना बस करते रहो लेकिन जहाँ प्यार और इज्जत की बात आती है ना वहाँ पर हमारा कहीं नाम ही नहीं होता। तो ऐसी ज़िंदगी है मेरी और मेरी बहनों की भी ऐसी है, ऐसा नहीं कि मेरे अकेले के साथ है, क्योंकि जब मैं अपनी बहनों से बात करती हूँ ना तो वो भी यही बोलती हैं कि लगता है कि मम्मी का नसीब है ना वो हम सब बहनों के साथ जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें वारसागत ही मिली है अकेलापन। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।